दोस्तों, रकासम सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी का शीर्षक है हाथी की रस्सी। एक आदमी सर्कस देखने गया तो उसने देखा कि बड़ा हाथी एक पतली रस्सी से बांधा हुआ है। तो उसको देखते ही हैरानी हुई कि इतना ताकतवर हाथी इतनी पतली रस्सी को तोड़कर भाग क्यों नहीं जाता। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। वो सर्कस के मालिक के पास गया और उसने सर्कस के मालिक से पूछा कि इतना शक्तिशाली हाथी इतनी पतली रस्सी को तोड़कर भाग क्यों नहीं जाता। तो सर्कस के मालिक ने जवाब दिया कि ये हाथी को हम जब छोटा था तब से एक मोटी रस्सी से बांध के रखते हैं और वो बहुत प्रयत्न के बाद भी उसको तोड़ नहीं पाता। जब वो प्रयत्न करना बंद कर देता है तब उसे पतली रस्सी से बांध देते हैं। वो इसलिए उस पतली रस्सी को नहीं तोड़ता कि उसको लगता है कि मैंने बचपन से बड़े होने तक इसको तोड़ने का प्रयत्न किया पर वो मुझसे टूटी नहीं, तो अब मुझसे नहीं टूटेगी। और वो अब पतली रस्सी को भी तोड़ने का प्रयत्न नहीं करता। वो आदमी ये सुनकर दंग रह गया। दोस्तों, हम भी जीवन में ऐसा ही करते हैं। हमें एक असफलता के बाद प्रयत्न करना ही छोड़ देते हैं और सोच लेते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। दरअसल हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें और इसे शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी स्टोरी सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।